अस्सलाम वालेकुम, मुबीन चौधरी फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। एक न्यू व्लॉग लेकर आया हूँ। तो आज मैं जा रहा हूँ मिलान एयरपोर्ट पे, तो एक पैसेंजर है उनको छोड़ना है। तो एक बंदा हमारा स्पेशल पाकिस्तान से आ रहे हैं, उनसे भी आप मिलवाएंगे, हम आपको मिलवाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी फ़िलहाल मैं सफ़र मेरा स्टार्ट हुआ था 7:30 बजे, तो अभी इस वक्त मैं पहुंच चुका हूँ रज्जू मिलिया से। ये आगे एक ऑटो ग्रिल है, वहाँ पे रुका हूँ। तकरीबन 2 घंटे हो गए मुझे कंटिन्यू गाड़ी चलाते, मैंने कहा चलो ईजी। तो उसके बाद मैंने इजी लोड करवाना था, मेरा फिर तक ख़त्म हो चुका था। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि आपको कार्ड मिलेंगे, तो एक कार्ड मिलेगा 10 रुपये का और एक 20 का, तो मुझे 12 रुपये चाहिए। वो कहती है आपको 20 ही करवाने पड़ेंगे। तो मैंने अभी मैसेज किया एक लड़के को, वह कहता है मैं आपको करवा देता हूँ, लेकिन यहाँ पर वो नहीं हो सकता क्योंकि। तो अगर आप 20 से एरो करवाएंगे ना इजी लोड, तो वो भी आपके काट लेंगे जो अजाफी ऊपर से होंगे। मिसाल तो जो 8-9-10 एरो बनते हैं ना, 8-9 एरो, वो भी आपके काट लेंगे। ये नहीं है कि आपके मोबाइल में रहेंगे और नेक्स्ट टाइम आप यूज़ कर सकते हैं, इस तरह नहीं होता। तो इसलिए मैंने यहाँ से नहीं करवाया। तो फ़िलहाल अभी हमारा सफ़र तकरीबन मेरे ख्याल से अभी 1.5 घंटे का और सफ़र है, 1.5-2 घंटे का। तो दूसरी फ्लाइट आनी है 2 बजे, जो पाकिस्तान से आ रहे हैं भाई। तो यहाँ ये जो पैसेंजर जाएगा इसकी 3 बजे फ़्लाइट है, क्योंकि वो इसी फ्लाइट जो फ़्लाइट आ रही है ना, इस फ्लाइट पे ये वापस जाएंगे। तो अभी काफ़ी टाइम, मैंने कहा चलो यहाँ पर थोड़ा रुकते हैं। तो ट्रैकिंग पास बनाना था, तो मैंने कहा चलो वो भी ट्रैकिंग पास बना लेते, क्योंकि एयरपोर्ट पर उसकी ज़रूरत होती है, वो चेकिंग वगैरह करते हैं ना। तो पाकिस्तान वाला एड्रेस वगैरह सब कुछ वहाँ पर देना होता है ट्रैकिंग पास में। तो मैंने कहा चलो फिर 2 मिनट रेस्ट भी कर लेते हैं, तो थोड़ा वो भी ना लेते हैं। तो चलो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। तो इस वक्त हम रज्जो एमिलिया वो क्रॉस कर रहे हैं, या बोर्ड देख सकते हैं। स्पीड हमारी 102 और ये आपको फ्लाइट मालपेंसा एयरपोर्ट पे तकरीबन 11:20 पे लैंड करवाएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ का टेम्परेचर है 13, तो टाइम अभी हो चुके हैं 9:21, तो इंशाल्लाह आपको ये प्रवास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम आप भी हमारे साथ सफ़र करें, अपने सामान की खुद हिफाजत करें। तो अभी इस वक्त हम जा रहे हैं, हम रज्जू मिलिया हमने क्रॉस की है, मेरे ख्याल से ये तो रोड बन रहा है। तो तकरीबन घर से मैं निकला था 7:30 बजे। तो मौसम माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है फिलहाल, गर्मी न सर्दी। अभी इस वक्त हम मिलान एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, ये बैक साइड पे एयरपोर्ट है। तो अभी हम फिलहाल सामान निकालेंगे, तो डिपार्चर की तरफ चलते हैं, बोर्डिंग वगैरह कराते हैं, तो फिर देखते हैं क्या टाइमिंग है। अभी तक तो लेट शेट नहीं हुई फ्लाइट, फिर देखते हैं, क्योंकि मौसम बिल्कुल साफ है तो इसलिए। तो अभी इस वक्त हम एयरपोर्ट में मौजूद हैं, ये सामने कुछ एयरलाइनें खड़ी हुई हैं, वो मेरे ख्याल से जेजी जेट की हैं। तो ये जो दो है इनका नहीं मुझे पता, तो वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक और फ्लाइट मेरे ख्याल से, ये चेक करें, वो सामने ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है ये, लेकिन दूर है नज़र नहीं आ रहा, वो पाकिस्तान का है, दो है, तीन है, लेकिन थोड़े दूर है नज़र नहीं आ रहे, जूम करता हूँ, हो सकता दूर है, कैमरे में साफ नज़र नहीं आएंगे, वो पाकिस्तान की भी है ये फ्लाइट। तो फिलहाल जो पहला पैसेंजर था वो तो चला गया है, तो अभी वेट कर रहे हैं जो पाकिस्तान से भाई आ रहे हैं, भाई इजाज़, तो उनका वेट हो रहा है। टाइम हो चुके हैं 2:15,
टाइम दे। 2:15 हो चुके हैं, 2:05 पे फ्लाइट लैंडिंग की थी, तो अभी वेट कर रहा हूँ। फिलहाल तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5 घंटा लग जाता है, क्योंकि अभी फॉर्म ज़्यादा फिल करने होते हैं कोविड की वजह से ना, तो इसलिए फिर वापस घर चलेंगे। तो अदनान भाई भी आ रहे हैं फिलहाल, उनकी ट्रेन थोड़ी लेट है, तो वो पहले मिलान आए हुए थे, तो वो कह रहे 10 मिनट में मैं भी पहुँच रहा हूँ। तो अभी इस वक्त एयरपोर्ट से तो बाहर आ गए हैं भाई, जहाज़ भी आ गए हैं, अभी हमें ट्रेन स्टेशन पे आप नाम चेक कर लें। तो यहाँ पर एक बंदा आ रहा है, यूट्यूब स्टार अदनान, अभी इसका इंतज़ार हुआ है। पहले उस साइड पे था, आप ट्रेन लाइन क्रॉस नहीं कर सकते, इसने आज ट्रेन लाइन क्रॉस की है। आए ये देख, आए दानी, आए तू बंदा नहीं ठीक, नारन वास्ते आया भाई। पहले बताया आपने ट्रेन लाइन क्यों क्रॉस की? हमने ट्रेन लाइन इसलिए क्रॉस की क्योंकि आपने अगर बोला था। मैंने कहा इसे ट्रेन लाइन जल्दी से लाइन क्रॉस करो, कोई ट्रेन वगैरह नहीं आ रही। वैसे आप नहीं कर सकते, आपको पता है ना? हाँ। इस चीज़ का पता होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ क्या गलत काम करवा रहे हैं आगे। ये स्पेशल बर्गर आया है भाई, अभी हम ये खाएंगे, केचप मेयोनेज। अपना पाकिस्तानी ही देखा, देखो 3 पीस तेज पा लिया, दर्द अगले मशीन तदा कर आए हैं। अच्छा मार्केट से शायद कोई भी नहीं लैनी, उन्होंने बिजली से आया करके जा रहे हैं, वेख लो इस बंदे का साल लाल। शाम के हो रहे हैं 7, तो अभी हम पहुंच चुके हैं, अभी हम खाना शाना खाएंगे, तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।